Hey guys, good morning and welcome to my channel, Indian Mom Kantra. Sorry guys. great. <laughs> <Gate. laughs> kind. Are you Chavez though? अभी तक तो गेट भी नहीं ओपन किया था ये ये लो तो ये क्या ये। दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनको लॉक भी दे रही थी अरे ये क्या करूं चलो जिम जाके आती हूँ जल्दी से आज लेट हो गया आज बहुत लेट हुआ क्योंकि इन्हें थोड़ा सा लेट जाना है ड्यूटी आज तो इसीलिए हम लोग लेट जा रहे हैं आज चलो जाके आ जाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे सो गैस घर पे आ गई हूँ घर पे आने के बाद शार ले लिया है शार लेने के बाद आती हूँ तुरंत किचन में क्योंकि किचन में बनाना होता है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ वो भी बता देती हूँ आज ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ही बना रही हूँ क्योंकि आजकल हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बन रहा है मेरे घर पर आजकल हम लोग दिन की शुरुआत जो है मतलब हेल्दी खाने से कर रहा है इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है ना तो और ज्यादा अच्छा लगने लगता है तो इसी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट मुझे दिख रहा है तो इसीलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है और मोटिवेट हो रही हूँ कि चलो यार नहीं डेली ब्रेकफास्ट हेल्दी ही करते हैं तो इसी वजह से डेली वैसे भी ब्रेकफास्ट करते ही थे तो थोड़ा सा कम ऑयल डाल के हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी सारा टाइम भी मिल रहा है इनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है और उसके बाद अच्छे से बैठ के ब्रेकफास्ट और चाय वाय पीने के लिए टाइम मिल रहा है वैसे मैंने उससे पहले भी आप लोगों के साथ ये मटकी की रेसिपी शेयर की है बट आज भी कर देती हूँ थोड़ा सा मैंने चार पाँच लहसुन की कलिया ली है और अदरक लिया है थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा बस उसको कूट के डाल दूंगी तेल में सबसे पहले जीरा राई डाल दूंगी उसको चटकने के बाद फिर वो डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके होने के बाद मतलब उसका थोड़ा सा कच्चा वगैरह स्मेल चला जाए उसके होने के बाद मैं डालूंगी प्याज और उसके बाद फिर प्याज थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने के बाद टोमेटो ऐड करूँगी फिर क्या बोलते हैं तो वो नमक ऐड करूँगी टोमेटो गलने के लिए और उसके बाद अपनी मटकी डाल दूँगी और मतलब उसके बाद सॉरी मसाले डालूंगी जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है यार कोई भी बना लेगा किसी को भी आती होगी क्या मैं आपको सिखा रही हूँ तो चलो बट अल, अलग अलग तरीका होता है सबका बनाने का इसी वजह से मैं अपना तरीका बता देती हूँ कभी कभी मतलब मुझे लगता है बाद में मुझे लगता है कि यार मैंने ये छोटी सी इतनी सिंपल सी रेसिपी कैसे शेयर कर दी आपके साथ इसी वजह से मैं डेली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्या सिंपल सी रेसिपी होती है बट ना ब्रेकफास्ट की जो हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ बनाऊंगी ना इसके वो पक्का शेयर करूंगी आपके साथ अलग अलग रेसिपी सीख रही हूँ मैं और वो बनाती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी आज तो स्प्राउट्स बचे थे तो इसी वजह से मैंने वो स्प्राउट्स ही बना लिए वैसे आपको बताओ जिम से आते ही इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है अभी मुझे प्रोटीन भी लेना है प्रोटीन भी मेरा खत्म हो गया है प्रोटीन आ, शायद ये कल लाने जाएंगे और प्रोटीन लेके आएंगे और फिर प्रोटीन लेना स्टार्ट करूँगी वैसे मेरे पास जो प्रोटीन है वो रोटी बनाने में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है इसी वजह से वो रोटी बनाने में यूज़ कर रही हूँ और जिम से आते ही जो वे प्रोटीन होता है जो फ्लेवर्ड प्रोटीन होता है वो वो लेना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि उधर से आने के बाद इतनी भूख लग जाती है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है तो तब तक कंट्रोल हो जाएगा जब तक मैं वो फ्लेवर्ड प्रोटीन लूँगी तब तक फिर मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा थोड़ा सा कंट्रोल भी हो जाएगा प्रोटीन भी मिल जाएगा और ये फिर दूसरी बार हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा तो अच्छा है फिर वेट लॉस के लिए और जितना आप प्रोटीन लोगे ना वेट लॉस के लिए उतना ही अच्छा होता है जितना आप प्रोटीन इंटेक करोगे उतना फास्ट आपका वेट लॉस होगा और मेरा ना आज ये भी बोल रहे थे आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है और वेट गेन भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैंने जिम ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं और इतने दिनों में मेरा वेट लॉस इतना अच्छा हुआ है कि आपको मुझे ही खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि यार इतनी जल्दी जल्दी मेरा वेट लॉस हो रहा है बट कैसा होता है कि मेरा मेरी बॉडी ही वैसी है कि मेरा वेट गेन भी इतनी जल्दी होता है कि देखते देखते मेरा वेट गेन हो जाता है और वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है वेट लॉस के लिए भी मुझे मतलब टेंशन नहीं लेना पड़ता मेटाबॉलिज्म अच्छा है मेरा वैसे और क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ तो इसी वजह से टेंशन नहीं रहता है उतना वेट लॉस अगर करने बैठू ना मतलब दिल में ठान लू ना तो जल्दी कर लेती हूँ अभी देखना आप थोड़ा सा कुछ दिनों में ही आपको फर्क देखने लगेगा क्योंकि कैसा है कि सबसे पहले फ़र्क तो अपने को ही दिखता है दूसरों को जल्दी नहीं दिखता है जब दूसरों को दिखने लगे ना तब समझ जाना कि आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और वेट लॉस नहीं हुआ तो भी इंचेस बहुत ज़्यादा लूज़ हुए हैं तो इसी वजह से मेरे तो अभी वेट तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं दिख रहा है मुझे आ, बट इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे जो कपड़े हैं या न, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं आ, मतलब हाथ लगाने से ऐसे लगता था कि यार यहाँ पर बल्जस दिख रहा है यहाँ पर मुझे फैट लग रहा है वहाँ पर वो फ़ैट कम हो रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाती है आपके साथ अगर आप जिम ज्वाइन करते हो कोई भी वर्कआउट करते हो जिम भले ही ज्वाइन ना करो घर पे भी कोई वर्कआउट करते हो मेरा तो ज़ीरो वर्कआउट हो गया था ना इसी वजह से ये सब कुछ हुआ वरना नहीं होता और टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही थी घर के कामों का और जल्दी जल्दी होना चाहिए सब कुछ इसका तो इसी सब कुछ हुआ नहीं तो नहीं होता तो गाइज़ यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और हाँ कल की ही कमेंट है यार कोई तो भी बोल रहा था कि आप चाय पी रहे हो और बोल रहे हो कि वेट लॉस कर रहे हो और डाइट कर रहे हो और चाय पी रहे हो तो गाइज़ मैंने बहुत पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गुड़ की चाय पीती हूँ गाइज़ आप भी गुड़ की चाय स्टार्ट कर दो आ, पीना क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना और आपसे चाय छोड़ी नहीं जाती है कि... जैसे मैं हूँ मैं मतलब चाय लवर हूँ इतनी चाय पसंद है मुझे कि मुझसे चाय छोड़ी ही नहीं जाती है इसी वजह से मैं उसका अल्टरनेटिव लेती हूँ मतलब चाय ही लेती हूँ बट गुड़ की चाय लेती हूँ अभी क्या कर सकता है चाय छोड़ी नहीं जा रही है तो थोड़ा सा मन को मारना भी नहीं है और वेट लॉस भी करना है तो इसी फिर गुड़ की चाय पियो मस्त मज़े से पियो ज़्यादा भी नहीं बट आप दो टाइम आराम से पी सकते हो गुड़ की चाय अगर एक टाइम लेना है तो आप अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बट मैं शाम को भी पीती हूँ मुझसे नहीं छोड़ी जाती है मसाला वसाला डालो मस्त चाय में और बनाओ चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है चाय मसाले वाली और उससे भी थोड़ा सा वेट लॉस होता है इस मसाले से भी वेट लॉस होता है पता है आपको जो चाय मसाला होता है ना उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है इस वाले चाय मसाले में जैसे कि अदरक है उसके बाद दालचीनी है और उसके में क्या क्या है हाँ काली मिर्च है और इलायची है इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है तो इस वजह से ये चाय वाला मसाला बनाना और चाय में डाल के ही पीना मतलब मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा और उसका चाय भी, चाय का टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बस ब्रेकफास्ट कर लिया है चाय चढ़ा चढ़ा दी थी तो वो बन गई है अभी चाय तो यार ये चाय के पतीले का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बड़ा है इतना सुंदर दिखता है ये पतीला चाय का और वैसे क वैसे ही पड़ा है बस इसमें अभी मैगी वैगी बनती है और बस कुछ नहीं बनता है इसमें क्योंकि पता है क्या इस पतीले से चाय गिरती ही है छानने के टाइम चलो बायो बाय 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 बारिश चल रही है यहाँ पे देखो मुझ ये बोल रहे कि आपको ऐसा पसंद है मौसम बट आ, आ, खेती वालों का क्या उनका नुकसान है हाँ चलो बाय बाय बारिश देखो कितनी अच्छी हो रही है मुझे तो ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बढ़िया मौसम हुआ है मौसम तो गैस इतना बढ़िया है बट ये बोल रहे थे कि खेती वालों का नुकसान है पूरा इस मौसम में क्योंकि कंटिन्यू बारिश होती है ना तो वो जो अनाज है बोया हुआ वो खराब हो जाता है तो इसी वजह से मुझे तो इतना नहीं पता है भले ही मैं आ, मतलब मेरे घर पे मेरे पापा के घर पे खेती है या सब कुछ है बट हमें कभी पापा ने इतना बताया ही नहीं और हमें इतना पता भी नहीं मेरे भाई को भी इतना पता नहीं था अभी वो जा रहा है इसी वजह से थोड़ा सा उस कॉलेज हो रहा है उसका नहीं तो उसको भी नहीं समझता था और वो बीच वाला भाई तो बिल्कुल भी नहीं उसको भी तो बिल्कुल भी नहीं पता है खेती का कुछ भी और मुझे भी नहीं पता है तो इतना कुछ नहीं था बट इनके घर में खेती है तो इनको तो पता है वैसे ये करते नहीं है बट इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है खेती बाड़ी का इसीलिए बोल रहे थे कि आप आपके चक्कर में किसी का नुकसान कैसे सोच सकते हो तो इसी वजह से मैंने भी बोला यार हाँ सच में मैं अपने खुशी के लिए किसी का नुकसान नहीं सोच सकती इतनी देर से बारिश चल रही थी ना आपको क्या ही बताओ आ, मतलब क्या बोलते हैं मराठी में झड़ी बोलते हैं वो लग गई है और मम्मी भी बता रही थी पुणे में भी कब से बारिश चल रही है बोले चार पांच दिन से उससे भी ज्यादा कंटिन्यू बारिश हो रही है तो वही कंटिन्यू बारिश को ही हमारे साइड में झड़ी बोलते हैं आज हम दोनों मैचिंग मैचिंग अद्विक के बाल क्यों ऐसे हो जाते हैं अद्विक हमेशा मैं हमेशा ऐसे बाल करती हूं अद्विक के और हमेशा ऐसे हो जाते हैं मैंने बाय पे जाल तो थोड़ी लगाए जो बार-बार मुड़े नहीं <laughs> तो चलो गया सब कुछ हो गया अभी खाना खाने वाली थी मैं तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ अभी तक रेडी नहीं हुई थी अभी फ्रेश हुई हूँ मतलब अभी तक टाइम भी नहीं मिला था रेडी होने का तो अभी फ्रेश हुई हूँ और फिर आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए तो ऐसे ही हो रहा है आजकल बिजी रूटीन चल रहा है मेरा आजकल तो चलो अभी खाना खा लेती हूँ क्या क्या बनाया दिखाती हूँ आपको तो मेरी जौरी की रोटी उसके बाद ये रोटियाँ और यहाँ पर दाल है यहाँ पर चावल है और फिर यहाँ पे है शिमला मिर्च की सब्जी तो चलिए अभी खा लेते हैं मॉर्निंग में जो मैं ले रही हूँ ना सादा सिंपल वाला जो घर पे खाना बनता है ना वही सिंपल वाला खाना रहता है मेरा सिंपल खाना खा के मैं वेट लॉस कर रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता बट अगर दिख रहा हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना यार मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी वेट लॉस के लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं यार जो भी मैं कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा देखो देखो ऐसा लग रहा है दूसरों के पहनने है मैंने ये थोड़ा सा पहले से ही मतलब इतना भी नहीं होता था थोड़ा सा टाइट ही होता था ये वाला ड्रेस बर्ड लग रहा है देखो हाँ खाना खा लेती हूँ यहाँ पर खाना खा लूंगी और अद्विक को भी थोड़ा सा एक दो निवाले खिला दूंगी क्योंकि अद्विक अगर हम लोग खाते हैं तो थोड़ा सा वो खा लेता है और किसी का कमेंट याद आया मुझे कि कि वो आप लोग बोल रहे थे पर अद्विक को अपने हाथों से खाने खाने दिया करो आपका सही है मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी तो वही सिखाया है हमें खुद के हाथों से खाना खाना चाहिए तो अद्विक का क्या है कि अद्विक को हम लोग जब अद्विक सेपरेट खाता है मतलब कोई खाता नहीं है तब खाता है ना तो वो खुद के हाथों से खा लेता है बट जब हम लोग बैठ जाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे टाइम पे भी वो खाए मतलब जैसे कि हम लोग खाने बैठे हैं तो उस टाइम पे भी वो खाए क्योंकि उसका खाना पहले ही हो जाता है बट एक दो निवाले हमारे साथ खा लेता है इसी वजह से हम लोग उसको खिला देते हैं तो ऐसे करके वो खाता है नहीं तो वो मतलब हाथों से खाता है टुकड़े करके दे दो रोटियों के तो वो खा लेगा ऐसे सब्जी साइड में करके दे दो और टुकड़े करके दे दो तो खा लेगा यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है दिया बत्ती कर रही हूँ सुबह से बारिश हो रही थी यार अभी थोड़ी सी हल्की सी बारिश कम हो गई है सुबह से जब बारिश होती है ना इतने तेज तेज आवाज और उसमें तो बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ तो इसी वजह से थोड़ा और आलस भी आता है इतने तेज तेज बारिश में और क्या काम करूँ इतनी बारिश में बाहर नहीं जा सकते कुछ भी नहीं कर सकते बहुत आलस आ जाता है यार इस टाइम पे ऐसे मौसम में अदीका तो स्टार्ट भी हो गया है ना अरे बात भी नहीं कर रहे इसी वजह से आपने आज ब्लैक टेस्ट ने हां आपने भी हां मेरे भी माय ब्लैक ब्लैक एंड वाइट दिस पेन हम्म और पैंट भी ब्लैक एंड वाइट हम मेरी दीदी का चेहरा भी ब्लैक एंड वाइट चलो बुट्टे खा लेते हैं अब बुट्टा खाना हो गया है गाइस बहुत टेस्टी था और हाँ अभी भी बारिश हो रही है यार सुबह से बारिश हो रही है तो अभी भी चल ही रही है बारिश देखो अभी आठ बज गए हैं आठ बजे भी बारिश हुई रही है अभी भी ये ड्यूटी से आया है और आज बनी है देखो एक करी मतलब तो इसमें एक डालने हैं यहाँ पर एक बॉयल करने के लिए रखे हैं एक डालने हैं और बस मेरे लिए सुबह की सब्जी है तो इसी वजह से ये एक करी तो मैं खाऊंगी नहीं आ, मैं सुबह की जो क्या बोलते हैं शिमला मिर्च की सब्जी थी वो है मेरे लिए वो खाऊंगी और ये खाएंगे एक करी बच्चे भी एक करी खाएंगे तो चलिए गाइज मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिए फिर बाय टेक केयर एंड सब यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना